पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पुलिस ने सपा नेता यूसुफ मलिक को कस्टडी रिमांड पर लिया है। यूसुफ ने अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस यूसुफ के पीछे पड़ी तो उसने एक पुराने मामले में रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 25,000 के इनामी यूसुफ मलिक के रामपुर कोर्ट में सरेंडर के बाद से ही पुलिस उसकी कस्टडी रिमांड की कोशिश में लगी थी। पुलिस ने शुक्रवार को यूसुफ मलिक को कस्टडी रिमांड पर लिया। पुलिस यूसुफ को लेकर सीधा सीजेएम कोर्ट पहुंची। इसके बाद यूसुफ से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि 26 मार्च को नगर निगम की टीम ने कटघर थाना क्षेत्र में यूसुफ मलिक के दामाद डैनियल के मकान को सील कर दिया था। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह के मुताबिक मकान पर 23 लाख रुपए का हाउस टैक्स बकाया था। मकान सील होने से बौखलाए यूसुफ मलिक ने अपर नगर आयुक्त को फोन पर धमकी दी थी। उसने खुद को आजम का राइट हैंड बताते हुए कहा था कि यदि मकान की सील नहीं खोली गई तो वो अपर नगर आयुक्त की सरकारी कोठी सील कर देगा। उसने अपर नगर आयुक्त को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बिठाओ। खैरियत है? हेलो, हाँ भेज। अरे पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।